हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से हमारे शिक्षा दृष्टि चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने जाना था चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के टाइप क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एमीटर क्या होता है, और कुछ बेसिक जानकारियां जानी थी। और इलेक्ट्रिक करंट का छोटा सा फार्मूला हमने देखा था। तो आज हम लोग को जो डिस्कस करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको पूरा बेस मजबूत करता है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लास 9th में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्लास 9th में हम लोगों ने पोटेंशियल शब्द, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे वहां पर हम लोग ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी तो हम लोग जानते हैं बेसिकली क्या है। यहां पर जो पोटेंशियल शब्द था उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। क्या जाना था? कि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल जो होता है किसी बॉडी के अंदर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिफाइंड होता है। जैसे मान लेते हैं कोई बॉल है, ये कोई बॉल है, ये जो है किसी हाइट पे रखी गई है, और ये हो गया ग्राउंड लेवल। ये किसी हाइट पे रखी गई है और ये हो गया ग्राउंड लेवल। अब ये बॉल है तो इसके पास अगर हम इस जिस सपोर्ट से ये रुकी हुई है इसको हटा दें, ये नीचे फॉल डाउन हो जाएगी, ये नीचे फॉल डाउन हो जाएगी। अब ये नीचे अगर फॉल डाउन हो रही है तो क्यों हुई? क्योंकि इसके पास एनर्जी थी। और वो एनर्जी क्यों थी? क्योंकि इसका जो पोजिशन था वो ग्राउंड लेवल से ऊपर था, उसके रिस्पेक्ट में इसके पास कुछ डिस्टेंस डिस्टेंस थी, इस कारण उसके पास जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वजह से वो नीचे आ गया। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट, उसको रिकैप करते हैं हम लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके पोजीशन या फिर उसके शेप के कारण आती है। मान लीजिए हमारे पास कोई धनुष था, उसको हमने खींचा, और जब हम उसको छोड़ेंगे उसकी स्ट्रिंग को, तो आगे की तरफ तीर भागती है, तो वो कहां से आई? जो जो हमारे अंदर, जो बो के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई उसके स्ट्रिंग को खींचने की वजह से, उसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल के उसका जो एरो था वो आगे बढ़ा। तो यहां पर हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी का रिकैप देखा। अब हमें जानना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो अभी तक हम लोग ने जाना था कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो करंट होती है वो फ्लो करती है, लेकिन करंट फ्लो कैसे करती है इसको हमें जानना है, क्यों करती है ये भी जानना है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई दो कंटेनर है, हमारे पास कोई दो कंटेनर है, और यहां पर दोनों सेम एरिया, दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम है और हाइट भी सेम है। मान लेते हैं इसमें कोई लिक्विड भरा है, साइड तक कोई लिक्विड भरा है, इसमें भी उसी हाइट तक लिक्विड भरा है, इसमें भी उसी हाइट तक कोई लिक्विड भरा है। शॉर्ट में कहें तो मानते हैं हम कोई दो ऐसे कंटेनर लेते हैं, दो ऐसे आइडेंटिकल कंटेनर लेते हैं, दो ऐसे सेम कंटेनर लेते हैं जिसमें सेम लिक्विड सेम हाइट तक भरा गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग एक पाइप से जोड़ देते हैं, ये पाइप हो गई। अब जरा हम देखते हैं क्या इसमें से, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो क्या कंटेनर ए में से कोई लिक्विड इस कंटेनर बी में जाएगा, या कंटेनर बी में से थोड़ा भी लिक्विड इस कंटेनर में जाएगा ए में? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो लेवल है वो सेम है लिक्विड का, और यहां पर जो है अगर किसी में ज्यादा होता या कम होता तब तो एक दूसरे में ट्रांसफर होता लिक्विड, पर यहां तो लेवल दोनों का सेम है तो यहां पर लिक्विड ट्रांसफर ही नहीं होगा। अब देखते हैं, यहां पर अगर मान लेते हैं ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट। अब अगर हम इसी को यहां पर चेंज करें, इसी केस को हम यहां पर चेंज करें, कैसे? अगर यहां पर हम लोग केस सेकंड लें, केस सेकंड, यहां पर ये फर्स्ट कंटेनर हो गया, ये इसका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक, और दूसरा कंटेनर हमने ले लिया यहां, सेम ऑब्जेक्ट का है, सेम हाइट, और दोनों की हाइट भी सेम है,
और दोनों में हमने फिर से वही सेम लिक्विड भर दिया। हमें मान लेते हैं इसकी हाइट h ले ली, हमने दोनों में फिर से सेम लिक्विड भरा है, कंटेनर की हाइट और साइज दोनों सेम है, दोनों आइडेंटिकल हैं, लेकिन यहां पर अब गेम हो जाएगा। अब गेम क्या होगा उसको हमें जानना है। यहां पर भी हमने इतनी ही हाइट पे लिक्विड भर दिया, इतनी हाइट तक। अब यहां पर हमने जो पाइप यूज की, यहां पर हमने जब इसको कनेक्ट किया, हमने क्या पाया, हमने क्या पाया कि ये लिक्विड इधर से फ्लो होके कंटेनर ए में आना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, दोनों में सेम लिक्विड है, सेम हाइट तक भरा है। अब जिसकी हाइट ऊपर होगी उसी में तो लिक्विड आएगा। पानी अगर फ्लो करता है तो वो ऊंचाई से नीचे की तरफ फ्लो करता है। उसी प्रकार अगर हम यहां पर हाइट इसकी बढ़ा दिए, इसको एच हाइट तक रेज कर दिए हैं, तो इसमें से जो लिक्विड होगा वो ए में फ्लो करेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई, mgh, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई, लेकिन यहां पर जो ये जो हो रहा है लिक्विड फ्लो हो रहा है वो mgh की वजह से नहीं हुआ है, वो हुआ है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। उसको आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो यहां पर हमें क्या देखना है, अगर करंट फ्लो हो रही है उसके केस में अगर हम देखते हैं, अगर ये कोई वायर है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पिछले वीडियो में बताए थे जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है और ये जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव होती है। ये वायर्स हो गई और ये सेल हो गया। यहां पर हम देखते हैं अगर करंट फ्लो हो रही है किसी भी सर्किट में, ये मान लेते हैं बल्ब हो गया, करंट फ्लो हो रही है किसी भी सर्किट में, तो इसमें से किसी एक का तो पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा। अभी जानते हैं कि पोटेंशियल अभी क्या होगा, आगे डिफिनेशन बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन मानते हैं अगर ये इतने ऊपर से, अगर इसको कैसे डिफाइन किया गया, लिक्विड क्यों फ्लो हुआ, एच हाइट की वजह से, पोजीशन इसकी एच पोजीशन ऊपर रेज कर दी गई, उसकी वजह से यहां बी कंटेनर में से लिक्विड ए कंटेनर में आना शुरू हो गया। अब क्यों हुआ, इसी को हम कहते हैं जो एच हाइट इसको रेज कर दिया गया, ये क्यों हुआ। अब इसमें इसका पोटेंशियल जनरेट हुआ, पोटेंशियल उसकी पोजीशन की वजह से जनरेट हुआ। अब पोटेंशियल अगर जनरेट हो रहा है उसकी वजह से लिक्विड फ्लो किया। अब आगे जानेंगे पोटेंशियल होता क्या है, लेकिन अब यही केस अगर हम किसी वायर के केस में लें तो वहां भी किसी पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल दोनों में से किसी एक का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा रहा होगा। तभी तो अगर हम यहां पर लिक्विड को करंट कंसीडर करें, ये कोई टर्मिनल है, हमें नहीं पता कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव हो, आगे अभी आपका क्लियर हो जाएगा, हमें नहीं पता कौन सा ये टर्मिनल है। लेकिन अगर हम यहां पर जो लिक्विड है उसको करंट कंसीडर करें, चार्ज, तो अगर ये मान लेते हैं ये चार्ज भरे गए हैं, ये चार्ज भरे गए हैं और इसकी जो फ्लो है वो करंट है, तो यहां पर जो चार्ज का फ्लो हो रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है उसे इसके जो पोजीशन है उसकी वजह से इसमें क्रिएट हुआ है। उसी प्रकार उसी तरीके से अगर वायर का केस लें हम, बैटरी का केस लें हम, या फिर सेल का केस लें हम, कोई सेल अगर किसी सर्किट में करंट दौड़ा रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो दौड़ा रही है करंट को, तो वहां पर जो पोटेंशियल है किसी भी एक टर्मिनल का, या तो पॉजिटिव का या तो निगेटिव का, किसी एक का ज्यादा रहा होगा, तभी तो फ्लो करना शुरू हुई, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना शुरू हुई, सेल में रिएक्शन हो रहा है और उसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है। अब देखते हैं, ये तो जनरल बेसिक कंसेप्ट था, अब हम देखते हैं इसका साइंटिफिक जो डिफिनीशन है वो क्या दी गई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन जानने से पहले जो हमें जान लेना है वो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में जान लेना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अभी हमने पोटेंशियल सीखा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को सीखना है। मान लेते हैं हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है Q0, छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है Q0, इसको Q0 से हमने डिनोट किया, आप कुछ और भी डिनोट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जरूरत करें, फिर भी जनरली Q0 से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज है Q0 और यहां पर हमारे पास कोई चार्ज है Q। अब आपने देखा मैंने टेस्ट चार्ज को स्मॉल बनाया
और यहां पर जो हमारा सोर्स चार्ज था ये हो गया सोर्स चार्ज, ये हो गया टेस्ट चार्ज। यहां पर ये सोर्स चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज था। यहां पर हमने सोर्स चार्ज को ज्यादा लिया है, इसकी वैल्यू Q0 से बहुत ज्यादा है, क्यों अभी आपको आगे बताएंगे। तो यहां पर क्या है, सोर्स चार्ज है ये Q0, पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को जनरली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करते हैं। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब अगर हम इसको इस साइड लाए, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए था, हम यहां तक लाए, फिर कोई पॉइंट बी था, फिर हम यहां तक लाए, फिर कोई पॉइंट सी था, फिर हम यहां तक लाए, और एकदम लास्ट में हम लोग यहां पर जो एकदम नियरेस्ट पॉइंट है इस सोर्स चार्ज के, वो कोई पॉइंट डी है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस, इसी ये तो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्ज मतलब सेम चार्जेस, क्या करते हैं रिपेल करते हैं। क्यों, ये जो है लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। अगर ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो दोनों को जब पास लाएंगे तो ये दूर भागेंगे, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। अगर जिसने ना देखा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है पिछले वीडियो को, उसको जाके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, वो रिपेल करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर हम देखें ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इसको ए तक लाए, अब ए तक लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इस साइड में अपोजिट डायरेक्शन में कि दूर हटो। फिर भी हम लोग अगर वर्क डन किए, वर्क डन करके हम इसको ए तक लाए, अब ए तक हम लोग लाए इसको, ठीक, उसके बाद हम लोग इसको बी तक लाए, फिर सी तक लाए, फिर डी तक लाए, तो इस तरह क्या हुआ, हमको वर्क डन करना पड़ा। अब हम मानते हैं कि ये टेस्ट चार्ज Q0 इन्फिनिटी पे रखा गया, ये टेस्ट चार्ज Q0 इन्फिनिटी पे रखा गया। अगर ये इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो इसको यहां पर सोर्स चार्ज तक लाने में, या फिर इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को, मान लेते हैं ये सोर्स चार्ज नहीं था, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज था, ये सोर्स चार्ज हो गया, तो यहां पर इन्फिनिटी से इसको यहां तक लाए, इसको एज्यूम करेंगे कि यहां कोई सोर्स चार्ज था, तभी तो रिपल्शन होगा और ये जो है वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो अगर इन्फिनिटी इसको सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज को हम लोग सोर्स चार्ज तक लाए, मान लेते हैं इसकी पोजीशन जो थी इन्फिनिटी थी और इसका जो पोजीशन है वो पॉइंट ई है, तो इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी भी पॉइंट तक लाने में मान लेते हैं डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा। कितना वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा। अब हमें वर्क डन क्यों करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहां पर लाइक चार्जेस है वो रिपेल करेंगे, अब उसके अगेंस्ट जाके हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन हमने किया, इस Q0 को उठाकर हम यहां लेके चले आए यहां। अब अगर यहां पर ये था ए पॉइंट पर तो रिपल्शन तो तब भी हो रहा था, वर्क डन किया हम लाके इसको यही पॉइंट पर रोक दिए। अब अगर हम Q0 चार्ज को छोड़ेंगे तो रिपल्शन की वजह से कुछ दूर आगे जाएगा, ठीक। अगर हम B तक लाए तो इसको ज्यादा रिपल्शन सहना पड़ेगा, अब ज्यादा रिपल्शन सहेगा तो यहां पर अगर हम छोड़े इसको तो और दूर जाएगा, फिर हम C तक लाए और ज्यादा रिपल्शन और दूर जाएगा, फिर D तक लाए तो बहुत दूर भाग जाएगा, तुरंत आएगा यहां। ये आपका रेड कलर का ये जो कैप था ये हो गया, ये आपका E, ये हो गया सोर्स चार्ज और ये आपका टेस्ट चार्ज, इसको हम यहां तक लाए रिपल्शन हुआ छोड़ दिया भाग गया, फिर यहां बी पॉइंट तक लाए रिपल्शन हुआ इसको यहां पर छोड़े रिपल्शन हुआ भाग गया, यहां तक लाए सी पॉइंट तक रिपल्शन हुआ भाग गया, डी तक लाए यहां पर छोड़े और दूर भाग जाएगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने वर्क डन जो किया है वो उसके पोटेंशियल में, वो उसके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि हमने इसकी डिस्टेंस को यहां पर कम किया, मान लेते हैं यहां x था, या फिर मान लेते हैं जनरली मानते हैं यहां पर 1 मीटर था, यहां पर 2 मीटर था, एक मिनट, ये इन्फिनिटी पे है तो मानते हैं यहां पर कुछ डिस्टेंस पे था, तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो ले नहीं सकते, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। यहां पर हमने कम डिस्टेंस तक, जब हम इसको जब कम डिस्टेंस तक ले गए रिपल्शन कम हुआ, रिपल्शन कम हुआ,
यहां पर मतलब ये जो पोजीशन थी इसकी, इसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो कम हुआ, यहां लाए और ज्यादा रिपल्शन हुआ, यहां लाए और ज्यादा रिपल्शन हुआ, और यहां लाए और ज्यादा रिपल्शन हुआ। ये शो करता है कि जो पोटेंशियल क्वांटिटी है, जो पोटेंशियल शब्द है, वो किसी भी चार्ज के लिए जो डिफाइंड होता है, या फिर किसी भी चीज के लिए जब उसको हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को, तो वो है, वो उसके पोजीशन पे बेस करता है, उसके डिस्टेंस पे वेरी करता है। तो इसकी अगर हम डिफिनेशन देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, आप लोग इसको दो तीन बार देखेंगे तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डिफिनेशन देखते हैं वो क्या है, वो क्या है, वर्क डन, वर्क डन। अब वर्क डन क्यों करना पड़ा, बताया गया क्यों, क्योंकि रिपल्शन होगा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच, रिपल्शन होगा, उसकी वजह से क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। इन ब्रिंगिंग आउट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मतलब जिसकी जो मतलब वन, जिसका जो है वन कूलाम चार्ज हो, मतलब यूनिट हो, यूनिट चार्ज हो, तो वो उसको जो है अगर हम इन्फिनिटी से लाते हैं, कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं, और किसी भी पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ए है, ए तक अगर लाए, तो ए पॉइंट पर उस चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए पर हमने कोई टेस्ट चार्ज लाया, तो ए पर उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जितना हमको वर्क डन करना पड़ा, किसके अगेंस्ट, यहां पर जो रिपल्शन हो रहा था उसके अगेंस्ट। मान लेते हैं ये पॉइंट ए हो गया, ये कोई पॉइंट हो गया इन्फिनिटी, ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है, यहां पर हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू जीरो रखा, ये हमारे पास चार्ज है, ये पॉइंट है। अब इसको हम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहां लिख नहीं रहे हैं कि यहां पर सोर्स चार्ज कोई मतलब प्रेजेंट है। यहां पर जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू कहां से, इन्फिनिटी से ए तक, क्या करना पड़ा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ा कहां से, इन्फिनिटी से ए तक, ठीक है। यहां तक जो वर्क डन हम लोग किए, इसको लाए यहां तक, ये जो वर्क डन हुआ यही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब छोटा सा क्वेश्चन जो एराइज होता है, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यहां पर हमने टेस्ट चार्ज लिया, यहां पर तो हमने पॉजिटिव अज्यूम किया था, तो भैया अगर यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर हमने पॉजिटिव अज्यूम किया है, टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव ले लिए, सोर्स चार्ज को भी पॉजिटिव ले लिए, अगर हम यहां पर सोर्स चार्ज को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर ले तो क्या होगा, तब तो रिपल्शन या अट्रैक्शन होने लगेगा ना, तो यहां पर तब क्या होगा, यहां पर तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, अट्रैक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल को वहां डिफाइन करेगा, लेकिन वो केस हम लोग को नहीं देखना होता है, हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन, ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, सबसे पहले इसके नोटेशन को देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पहला पॉइंट था, पहले का ए क्या हो गया, डिफिनीशन हो गई, अब बी क्या है, नोटेशन, बी क्या है, नोटेशन। तो इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर वी से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर वी से डिनोट करते हैं, वी क्या है, इसका नोटेशन है, वी इसको डिनोट करता है। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप बस वी लिख रहे हो, अगर सिर्फ पहला लेटर लिख रहे हो उसको कैपिटल में लिखना है, और अगर ये देखो यहां पर जो नोटेशन था वो वी था, फिर भी मैंने जो बताया था पिछले लेक्चर में जो बताया था वो था यूनिट के लिए, यूनिट के लिए क्या बताया था, अगर पहला लेटर लिख रहे हो, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अब अगर हमने पहला लेटर वी लिखा, पहला लेटर क्या लिखा, वी लिखा, यहां पर जो इसकी यूनिट है वो वोल्ट लिखे उठे, इसको वोल्ट को वी से डिनोट कर दिए हम लोग, लेकिन अगर हम इसको पूरा लिखें, इसको अगर हम पूरा लिखें, तो यहां पर अगर हम ऐसे लिख दें वोल्ट,
तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये साइंटिस्ट का नेम शो करने लगेगा, क्योंकि अलेक्जेंड्रा वोल्टा थे, उन्होंने सबसे पहले पोटेंशियल को डिफाइन किया था, उनके ऑनर में इसको कहा जाता है। तो यहां पर जो यूनिट है वी है, तो यहां पर हम स्मॉल बनाएंगे। ये पिछले वीडियो में भी बताया गया था आप लोग को, पहले लेक्चर में जो जनरल इंट्रोडक्शन था वहां बताया गया था। तो यहां पर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, नोटेशन देखा उसका, यूनिट देखी, पर इससे तो हमारा काम होना नहीं है। इससे अगर डिफिनेशन आ गया, यूनिट पूछ लिया एक नंबर में, या फिर नोटेशन पूछ लिया, तो यहां से तो हम लोग उसको बता लेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप देखिए कैसे जनरेट, आप ही करेंगे, देखिए कैसे जनरेट होता है। देखिए अब हमको जो चौथी चीज पे डी पार्ट पढ़ना है वो है फॉर्मूला। हमने क्या किया, वर्क डन डब्ल्यू किया, लेकिन मैंने जो लिखा था वहां पर, हमने जो डिफिनेशन दी थी वहां पर हमने लिया था यूनिट पॉजिटिव, हमने यूनिट लिखा था। तो भैया अगर हम वहां पर यूनिट की जगह मान लेते हैं कुछ और ले लिए, पांच ले लिए, दस ले लिए, या फिर 15 ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, हम वहां पर एक के लिए निकालेंगे। तो वर्क डन, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल हो गया, W उसका वर्क डन हो गया, ठीक है। अब अगर वो यूनिट है तो उसको वन से डिवाइड करेंगे, तो वन से डिवाइड करेंगे तो वर्क डन जो इक्वल होगा वो W के हो जाएगा। अब अगर हम इसको, अगर एक से ज्यादा दिया है, एक से ज्यादा दिया है, 15 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है, तो वहां पर जो हम लोग इसको लेंगे उसको Q से अगर हम डिवाइड कर दें तो एक के लिए आ जाएगा, यूनिट के लिए आ जाएगा। यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो पहली यूनिट हमने पढ़ी वो तो वोल्ट पढ़ी, एसआई यूनिट उसकी जो है वोल्ट है, लेकिन उसकी एक और एसआई यूनिट है, निकालना देखते हैं। वर्क की जो हमने एसआई यूनिट नाइन्थ में पढ़ी थी वो थी जूल, वर्क की एसआई यूनिट जूल थी। अब क्यू की यूनिट, चार्ज की यूनिट हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ी, वो कूलम्ब है, और दोनों अपॉन में है। यहां पर जो इसकी यूनिट आ जाएगी वो हो जाएगी जूल पर कूलम्ब, तो ये भी एक यूनिट हो गई जूल पर कूलम्ब, ठीक है। तो एक यूनिट आ गई जूल पर कूलम्ब। अब इस पे हमने ये फार्मूला तो देख लिया, लेकिन यहां पर जो मैंने हेडिंग डाली है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग 1 वोल्ट की डिफिनेशन जानेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे चलेंगे। तो यहां पर जो दूसरा टॉपिक है 1 वोल्ट, तो इसकी अगर हम डिफिनेशन दें ये हो जाएगा वी, क्या है वी इक्वल टू 1 वोल्ट दे दिया है। अब 1 कब होगा जरा सोचते हैं, ये वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था, इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था। यहां पर एक बात नोटिस करने लायक है, वहां हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जो वर्कडन कर रहे हैं, वो सोर्स चार्ज के लिए नहीं है, वो टेस्ट चार्ज पे किया गया वर्कडन है, इसको दिमाग में रखेंगे। तो वहां पर अगर कभी किसी क्वेश्चन में घुमा के अगर वो कंफ्यूज करता है, तो वहां पर हमें ये नोटिस करना है कि टेस्ट चार्ज को हमको जो है कंसिडर करके चलना है, सोर्स चार्ज उतना कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां पर था ये 1 वोल्ट था। अब अगर हम इसको, ये V इक्वल टू 1 वोल्ट दिया था, 1 वोल्ट कब आएगा, यहां पर वर्क डन 1 जूल हो, 1 जूल हो, और Q इक्वल टू 1 कूलम्ब हो, ये आया। अब 1 वोल्ट ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डिफाइंड होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डिफाइंड होता है, पर भैया अभी आपने तो पोटेंशियल डिफरेंस बताया ही नहीं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमने क्या जाना, हमने अभी तक जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, कहीं पढ़ा था, बहुत दूर पढ़ा था, इन्फिनिटी पे पढ़ा था, हमें नहीं पता कहां इन्फिनिटी पे पढ़ा है, हमको यहां कोई पॉइंट ए है वहां तक लाना है। यहां पर हमने कोई माना सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। अब वहां से यूनिट वो जो है टेस्ट चार्ज है, वो भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एक बात और नोटिस कर लेनी है, यही हमको टेस्ट चार्ज
टेस्ट चार्ज वेरी वेरी स्मॉल देन सोर्स चार्ज। हमें इसको ध्यान में रखना है। अब क्यों ध्यान में रखना है? ये हमारा सोर्स चार्ज था, मान लेते हैं ये हमारा टेस्ट चार्ज था, ये और बड़ा था, ये और बड़ा था, तो ये जो है जब ये ए पॉइंट पे था, ये इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी पे था। अब इसको हम जब यहां लेके आएंगे तो ये इसको रिपेल करने की बजाय ये इसी को रिपेल करने लगेगा, ये खुद ही इधर भागने लगेगा और इधर भागने लगेगा। तो हम इसको हमेशा छोटा रखेंगे, तो हमारा जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो सोर्स चार्ज से छोटा होना चाहिए। तो किसी भी सोर्स चार्ज के अगेंस्ट, उसके इन्फ्लुएंस में जब हम किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब मान लेते हैं ये हमारा सोर्स चार्ज था, हमने लिया इसको, ये था, ये हमारा जो कैप था इसको हमने सोर्स चार्ज माना रेड कलर का, ये जो ब्लैक है ये टेस्ट चार्ज है। अब ये यहां पर ये था पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज, हमने इसको फिक्स कर दिया, और ये कोई टेस्ट चार्ज था, हम इसको लाते गए लाते गए लाते गए, रिपल्सन तो हो रहा है लेकिन हमने जो वर्क डन किया है वो इसको और अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, इसके और नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके अगेंस्ट जो वर्क डन किया गया सोर्स चार्ज के अगेंस्ट, उसके रिपल्सन के अगेंस्ट जो टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लेते हैं आपके पास कोई पॉइंट ए था, कोई पॉइंट बी था, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हम देखते हैं कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज था, कोई टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज था, ये हो गया, इसको हमें ए तक लाना है। इन दोनों के बीच जो वर्क डन होगा, बी से ला रहे हैं ए पर, इन दोनों के बीच बी से ए तक लाने में जो वर्क डन किया गया, यहां पर इंफिनिटी तो हम ला नहीं रहे, यहां पर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस में जो नोट करना है हमको, पोटेंशियल नेट, पोटेंशियल डिफरेंस ए हो गया बी हो गया, दोनों के बीच वर्क डन हुआ डब्ल्यू बी ए। यहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हमें पता करना है, जो हमको जानना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या देखा, कोई एक पॉइंट था, हम इंफिनिटी से ले आए, जो वर्क डन रिपल्सन के अगेंस्ट करना पड़ा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। लेकिन यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के केस में क्या देखेंगे, हमको जो दोनों पॉइंट होंगे बोथ द, शॉर्ट में लिखें अगर तो लिखेंगे नोन पॉइंट्स, यहां पर क्या लिखेंगे नोन पॉइंट्स, यहां मतलब यहां पर जो हमें पॉइंट्स दिए रहेंगे पॉइंट ए और बी जो दिया रहेगा, हमें पता रहेगा ये दोनों पॉइंट कहां लाई करते हैं, कहां पर हैं। बी से ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, बी से ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वो इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। नहीं समझना है, फिर से देखते हैं। मान लेते हैं यहां कोई चार्ज था प्लस क्यू जीरो, ये था इंफिनिटी पे, ये था इंफिनिटी पे, भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ में आया लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया। फिर से देखते हैं, मान लेते हैं क्यू जीरो इंफिनिटी पर कोई चार्ज था, टेस्ट चार्ज था, यहां पर कोई बी पॉइंट है, यहां पर कोई ए पॉइंट है। अब अगर इसी चार्ज को हम यहां बी तक लाके रोक दिए, यहां पर बी तक लाके रोक दिए, क्या हो जाएगा, इसका जो वर्क डन होगा ये होगा W इंफिनिटी से B तक। तो यहां पर हमने जो वर्क डन किया वो तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताएगा ना, यहां पर B पे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुई, क्लियर है। तो यहां पर जो वर्क डन हुआ वो B तक का हुआ कि यहां पर B पर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है। अब इसी चार्ज को अगर हम यहां पर A तक ले आए, यहां पर A तक अगर हम ले आए
तो यहां पर जो इसके लिए वर्क डन होगा वो इंफिनिटी से ए तक होगा। ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस चार्ज का ए पे कितना है, ठीक, उस चार्ज का ए पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब ए और बी के बीच हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, ए और बी के बीच हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जानना है। अब जरा हम देखते हैं, पहले बताया, देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि इससे इस चार्ज से जितनी दूरी पे रहेंगे, मतलब किसी भी चार्ज से जितनी भी दूरी पे रहेंगे वहां पर पोटेंशियल उतना कम होगा, और जितना पास जाएंगे पोटेंशियल ज्यादा होगा। कैसे, अगर ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज था, सोर्स चार्ज था, ये कोई टेस्ट चार्ज था, इसको यहां तक लाए, छोड़ दिए तो कुछ दूर तक जाएगा, अब इसको हम यहां तक लाए फिर छोड़े तो और दूर भाग जाएगा, क्यों, रिपल्शन ज्यादा होगा। तो अगर हम देखें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा यहां तक लाने में वर्क डन हमें ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम ज्यादा दूर तक ला रहे हैं, यहां पर हम थोड़ी दूर तक ला रहे हैं, ठीक, तो ए तक लाने में हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ा और बी तक लाने में कम वर्क डन करना पड़ा। तो यहां पर ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, बी का इसके नहीं, देखिए मतलब बी का भी पोटेंशियल ज्यादा होगा लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास कोई अलमारी थी, ये यहां पर आपने एकदम ऊपरी वाली शेल्फ में एक बॉल रख दी। अब अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इसके पास पोटेंशियल है। चेक कैसे करेंगे, हमने यहां पर इसको शेल्फ को तोड़ा तो बॉल आ गई यहां, क्यों आई, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल था, एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, इसलिए वो नीचे आई। अब इसके रिस्पेक्ट में इसी लेवल पे हम देखें तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर जब इसको तोड़ेंगे तो फिर ये नीचे आ जाएगा, क्लियर है। तो उस तरह से देखते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये भी जरूरी है किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसी भी पोटेंशियल को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहां पर इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो पॉइंट ए मान लेते हैं ये वर्क डन था माइनस डब्ल्यू इंफिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क डन किया गया वी अपॉन क्यू जीरो, ये क्या हो गया, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहां पर हमने किसी भी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से बी तक लाया, अब मान लेते हैं उसी टेस्ट चार्ज को हमने दूसरे केस में ए तक लाया, यहां पर कुछ वर्क डन करना पड़ा यहां तक लाने में, यहां तक कुछ वर्क डन करना पड़ा यहां तक लाने में। अब दोनों केसेस में हम क्या देखते हैं कि यहां तक जो वर्क डन करना पड़ा हमको ज्यादा करना पड़ा, क्यों ज्यादा करना पड़ा, क्योंकि हमको ज्यादा दूर तक खींचना पड़ा। यहां पर जो सोर्स चार्ज की वैल्यू लेंगे दोनों पॉइंट पर हम जो है उसको सेम कंसिडर करेंगे, तो यहां पर जब हम इसको यहां तक लाए तो वर्क डन जो करना पड़ा वो कम करना पड़ा इसके रिस्पेक्ट में, और यहां तक लाए इसको ज्यादा वर्क डन करना पड़ा क्योंकि हम ज्यादा दूर तक ला रहे हैं। अब कोई आदमी 10 कदम चला तो उसको कम वर्क डन करना पड़ा, और वही आदमी अगर 2 किलोमीटर चल गया तो उसको ज्यादा वर्क डन करना पड़ा। तो यहां पर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल बेस करता है, मैंने बताया आपको, तो अगर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल बेस डिपेंड करता है, उसके ऊपर वेरी करता है, तो यहां पर ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। अब ए का पोटेंशियल अगर ज्यादा है ए का पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो ए के पोटेंशियल में से अगर बी का पोटेंशियल हम माइनस कर दें तो ओवरऑल इन दोनों के बीच में किया गया वर्क डन आ जाएगा, इन दोनों के बीच का वर्क डन आ जाएगा, यहां तक जो वर्क डन किया गया, यहां तक जो वर्क डन किया गया, ये वर्क डन ज्यादा था, ज्यादा में से कम वाले को माइनस किए, ज्यादा में से कम वाले को माइनस किए, तो इन दोनों के बीच जो वर्क डन किया जाएगा उसको हम मान लेते हैं डब्ल्यू, इसको मान लेते हैं डब्ल्यू, यहां पर जो वर्क डन किया गया वो हो गया डब्ल्यू। अब यूनिट चार्ज के लिए कितना करना पड़ा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा।
पहले केस में मैंने जो आपको बताया, ये जो मैंने कंटेनर वाला एग्जांपल दिया था, ये लिक्विड फ्लो क्यों हुआ? ये लिक्विड फ्लो इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के लेवल के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से लिक्विड यहां से इसमें फ्लो करेगा, ठीक। ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इसको डिफाइन करने की बात आए तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको तो हमने समझ लिया, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू नोन पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हम क्या देखते हैं यहां पर अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू नोन पॉइंट्स, जो हमें पॉइंट्स पता हैं कि वो पॉइंट्स कहां लाई करते हैं स्पेस में, कहां या फिर कहीं देखते हैं, तो जो दोनों पॉइंट होंगे वो हमें पता होंगे कि ए हैं बी हैं, हमें वो दोनों पॉइंट्स पता होंगे, नोन पॉइंट्स होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यही अंतर है, वहां इन्फिनिटी चलाते हैं, यहां पर दोनों पॉइंट्स हमें नोन होते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच मान लेते हैं ये ए हो गया ये बी हो गया, ये दोनों पॉइंट्स नोन थे, प्लस क्यू चार्ज था, इसको यहां तक लाया आपने और डब्ल्यू वर्क किया, कहां से बी से ए तक डब्ल्यू वर्क किया, ठीक। तो बी से ए तक लाने में जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ वो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। तो यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम यहां पर दो बार हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ला रहे हैं, तो जो वर्क डन किया गया नॉन पॉइंट्स के बीच जो वर्क डन किया गया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए, वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। ये बेसिक सी चीज थी। अब हमें जो देखना है वो देखना है वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देखना है? वन वोल्ट की डिफिनेशन देखेंगे हम लोग। वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट हो सकता है किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, कब क्रिएट हो सकता है? वन वोल्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखे थे? V इक्वल टू W बाई क्यू। यहां पर ये कब हो सकता है? जब हमारा जो वर्क डन हो वो वन जूल हो। क्या हो? जो वर्क डन हो वो वन जूल हो और जो चार्ज हो वो वन कूलाम हो। अब कैसे? मान लेते हैं कोई दो पॉइंट हैं और जो हमारे टेस्ट चार्ज की वैल्यू है वन कूलाम है, ठीक, यूनिट टेस्ट चार्ज है, यूनिट जब ये हो जाए, अब इसको लाने के लिए अगर हमें एक जूल का वर्क करना पड़ा तो ये क्या हो जाएगा? ये वन वोल्ट हो जाएगा। तो अगर इसकी हम डिफिनेशन दें तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी वन वोल्ट इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव
forbidden to bring a unique positive charge between from one known defined as potential difference. Potential difference when work done to bring a unit positive charge from one known point to another is 1 joule. जब हमें किसी किन्हीं दो पॉइंट के बीच किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो वो क्या हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है, उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक, अब हमारा ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी के कुछ इंटेस्ट और एग्जाम्पल दिए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का एग्जाम्पल 12.2 क्या कहता है, वो कहता है हाउ मच वर्क इज डन, क्या पूछा है, वर्क डन हमें फाइंड करना है। क्या कहता है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज कितना दिया है, 2 कूलम दिया है, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट है उनके बीच वर्क डन निकालना है, और जो चार्ज दिया है वहां पर वो 2 कूलम का चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर लिखेंगे गिवन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, 2 से 1 नंबर में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर हम लोग गिवन लिखेंगे, क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया है, क्यों कितना दिया है, वो दिया है 2 कूलम, क्यों कितना दिया है, वो दिया है 2 कूलम। अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू W बाई क्यू इंप्लाइज दैट, छोड़िए यहां पर V इक्वल टू W बाई क्यू, इसको क्या, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी क्यू आएगा, आएगा कैसे, ये Q उधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, तो W इक्वल टू क्या आ गया, वी क्यू, तो W इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा, W की वैल्यू, W की वैल्यू हमको निकालनी है, V की वैल्यू कितनी दी है 12, और चार्ज की वैल्यू कितनी दी है 2, यहां पर क्या आ जाएगा 24 जूल, ये हो जाएगा आंसर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट आप लोग को याद होनी चाहिए, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो यहां पर आधा नंबर या फिर 1 नंबर कट जाता है। तो यहां पर W की जो वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वो 24 जूल हमें करना पड़ेगा। अब हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं, तो इंटेक्स में आपको जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेल है हमारा, बैटरी है, और इलेक्ट्रिक मेन्स की जो सप्लाई होती है उसको हम लोग ले सकते हैं, जो हमारे घरों में आती है 240 वोल्ट, या फिर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहां पर क्या करना है, उसको मेंटेन करने के लिए यही 2-3 चीजें हैं। क्या कौन कौन सी फिक्स देखते हैं, सेल है, बैटरी है, इलेक्ट्रिक मेन्स की सप्लाई है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, तो वहां पर क्या करना है, आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिख देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। और थर्ड क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवेन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यहां पर जो हमको दिया है, क्या क्या दिया है, यहां पर जो पूछा है वो एनर्जी पूछा है, क्या लगता है, यहां पर एनर्जी पूछा है ना, वो कुछ नहीं है, वो आपका क्या है, वर्क डन ही है। तो वर्क डन इज डायरेक्टली डिपेंड टू एनर्जी, तो यहां पर क्या हो गया, ये एनर्जी आपको बोल के कंफ्यूज कर रहा है, यहां पर और कुछ नहीं करना है, ये वर्क डन को ही डिनोट करता है। अब ईच कूलाम पूछा है, यहां पर भी थोड़ा कंफ्यूज किया है, यहां पर ईच कूलाम कहने का मतलब है पर कूलाम, मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये हमसे यूनिट पॉजिटिव के चार्ज के लिए पूछ रहा है, यूनिट के लिए पूछ रहा है, यहां पर हमें क्या मिल गया, यूनिट चार्ज, ये कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस लैंग्वेज की वजह से जो घुमाया है उसकी वजह से ये इसको इंपॉर्टेंट बना देता है। क्या कहा है, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी हमसे पूछ रहा है, और एनर्जी यहां पर क्या डिनोट करता है, वर्क डन,
यहां पर एनर्जी क्या डिनोट करता है, वर्क डन, बाकी और कुछ नहीं है। और ईच कूलम्ब कह रहा है, ईच कूलम्ब कहने का सेंस है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, फिर यहां पर और एक चीज दिया है, 6 वोल्ट बैटरी दिया है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस तो दे दिया, ठीक। अब यहां पर हम देखते हैं गिवन में क्या क्या है, गिवन में क्या क्या है, क्या दिया है, Q की वैल्यू जो दे दी है वो दे दी है 1 कूलाम, ठीक। Q की जो वैल्यू दे दी है वो दे दी है 1 कूलाम, ठीक है। अब यहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस की जो कितनी वैल्यू दी है वो दी है 6 वोल्ट, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू दी है वो दी है 6 वोल्ट। और W हमसे पूछ रहा है, W हमसे पूछ रहा है, वर्क डन हमसे पूछ रहा है। अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, अब वर्क डन तो पूछ रहा है पर एनर्जी के फॉर्म में पूछ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई और डब्ल्यू इक्वल टू, एनर्जी को ई से डिनोट किए और डब्ल्यू हो गया। अब पेपर में क्या कर सकता है, हो सकता है सिंपल बना दे टीचर, या फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करें, यहां पर सेंटेंस बदल दे, वहां लिख दे हाउ मच वर्क डन इज गिवेन टू अ यूनिट चार्ज ऑफ यूनिट चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल्का सा घुमा सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग तो समझ के चलेंगे, हमको याद नहीं करना है, हम लोग समझ के चलेंगे क्वेश्चन को लगाना कैसे है। यहां पर ई और डब्ल्यू यहां पर हो गया। अब वी नो दैट, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एक ही फार्मूला चलना है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी क्यू। अब इसी को हम यहां लिखते हैं, डब्ल्यू को हम लोग लिख लिए ई इक्वल टू वी क्यू। अब ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू दी है 6 वोल्ट इंटू क्यू की वैल्यू जो दी है 1 कूलम्ब, उसके अकॉर्डिंग 6 जूल ये आ जाएगा। आंसर में हम लिखेंगे सो द एनर्जी गिवेन टू ईच कूलम्ब चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी इज 6 जूल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ये लग जाएगा, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में अगला जो लेक्चर है आपका आने वाला, उसमें हम लोग जो है सर्किट डायग्राम के बारे में सीखेंगे, और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे आपको मिलेगा, लेकिन यहां से अगर बेसिक मजबूत करना है तो हम लोग सीखते हुए चलेंगे, वो क्या है, वो है कि किसी भी वायर के अंदर चार्ज कैसे फ्लो होते हैं। बॉक्स में एनसीईआरटी में दिया है, मोड 2 नो उसमें दिया गया है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे और सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पेपर में आता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ना क्लियर हो तो वीडियो 2-3 बार देखिए पूरा शुरू से लेकर अंत तक। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसी में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, और अगर वो लिंक ओपन नहीं होता है तो उसी में तरीका बताया गया है वो लिंक कैसे ओपन होगा, उसको आप लोग ज्वाइन करिए, वहां पर नोट्स ये शेयर हो जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को शेयर करिए। यहां पर कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन डाल देंगे, मैं उनका जवाब दूंगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको मतलब जरूरी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, 10th के स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कराइए। थैंक यू।